भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है, अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां अपने केबल नेटवर्क के SN चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। महाराष्ट्र के ठाणे में स्थित बदलापुर के एक स्कूल में बच्चियों के कथित यौन उत्पीड़न के मामले में जबरदस्त बवाल शुरू हो गया है। यहाँ काफी संख्या में लोगों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया, कई लोगों ने लोकल ट्रेनों को भी रोक दिया। बताया गया है कि लड़कियों के अभिभावकों ने कई लोगों के साथ स्कूल का घेराव कर प्रदर्शन किया है। बताया गया है कि इस घटना के सामने आने के बाद स्कूल के प्रबंधक ने प्रिंसिपल और स्टाफ के 2 सदस्यों को निलंबित कर दिया। हालांकि इस घटना के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़क गया, सैकड़ों की संख्या में जुटे लोगों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। लोगों ने सुबह 8 बजे ही लोकल ट्रेनों की आवाजाही को रोक दिया और हंगामा किया। इसके बाद महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने SIT जांच का आदेश दिया। वहीं मंत्री दीपक केसरकर ने घटना में पुलिस की सतर्कता को लेकर बयान दिया। फडणवीस ने इस मामले में वरिष्ठ IPS IG आरती सिंह के नेतृत्व में SIT के गठन का ऐलान किया। आरोपी को सख्त सजा दिलाने के लिए ठाणे पुलिस कमिश्नर को भी इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाने के लिए प्रस्ताव देने को कहा गया है। पुलिस स्टेशन में खापा के स्कूली छात्रों ने एक अनोखी राखी रक्षक उपक्रम का आयोजन किया। हमें आप पर गर्व है, आपकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हुए हम आपकी रक्षा के लिए रक्षा सूत्र बांध रहे, भगवान का आशीर्वाद हमेशा आपकी रक्षा करे, ऐसा राखी बांधते समय छात्रों ने व्यक्त किया। इस अवसर पर पुलिस निरीक्षक हिवरे अभिभूत हो गए। निःशुल्क ट्यूशन कक्षाओं में समाज की संस्कृति, रीति रिवाजों, परंपराओं और त्योहारों को संरक्षित किया जाता है। विद्यार्थियों को देश की संस्कृति से परिचित कराने तथा समाज के प्रति कृतज्ञता की भावना जागृत करने के उद्देश्य से यह उपक्रम आयोजित की गई। कार्यक्रम में तुमसा पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक नरेंद्र हिवरे, पुलिस उप निरीक्षक गंगावनी, नितिन मोडघरे, उपास राव तितिरमारे, शैलेश पेरे, हीना राउत, ज्योति चौधरी, अश्विनी डोंगरे, शुभम डोले, जीत सिंह लिल्लारे, राहुल कटनकर और अजय यादव आदि उपस्थित थे। नन्हे मुन्नों ने अपनी भावना व्यक्त करते हुए आशीर्वाद लिया और अधिकारी एवं कर्मचारी इस भावनात्मक बंधन से अभिभूत हो गए। विभिन्न क्षेत्रों के गार्डों ने भी नन्हे बच्चों के साथ तस्वीरें ली। शिक्षण वर्ग के स्वयंसेवक अजय यादव ने रक्षा बंधन के महत्व का उल्लेख करते हुए कहा, रक्षा बंधन एक ऐसा बंधन है जो मन और हृदय को जोड़ता है। तिलक लगाने से मन को ठंडक मिलती है और एकाग्रता बढ़ती है एवं व्यक्ति में ऊर्जा का संचार होता है। ऑक्शन करते समय दीपक की ज्योति सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हो जाती है। यह ज्वाला बुरी चीजों का नाश करती है। पुलिस निरीक्षक ने लड़कियों के सशक्त होने के महत्व पर भी प्रकाश डाला।
प्रदेश में नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत के कर्मचारियों, शिक्षकों, शिक्षकेतर कर्मचारियों, सेवानिवृत्त कर्मचारियों, नगर निगम, नगर परिषद के संविदा कर्मियों की लंबित मांगों को सरकार नजरअंदाज कर रही है। राज्य में नगर पंचायत आगामी विधानसभा के कार्य में भाग नहीं ले सकेंगे, साथ ही विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने का भी निर्णय लिया गया है। प्रदेश में नगर निगमों, नगर परिषदों, नगर पंचायतों के कर्मचारियों की मांगे पिछले साल से शासन स्तर पर लंबित है और सरकार जानबूझकर उनकी अनदेखी कर रही है। शासन स्तर पर अभी मुख्यमंत्री, प्रमुख सचिव और आयुक्त व निदेशक की बैठकें पूरी नहीं हुई है और अन्य मांगों को लेकर विधानसभा के प्रस्ताव का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया है। मिश्रम है, कर्मचारी संघटना कार्यकारी अध्यक्ष है जिल्ह्याच्या। राज्य शासनाकडे आमचे 3 ते 4 वर्षापासून विविध कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या संबंधात, नगर परिषद कर्मचारी, नगर पंचायत कर्मचारी यांच्या संबंधामध्ये मागण्या संबंधात आमच्या राज्य स्तरावर शासनाकडे मागणी प्रलंबित आहे। येत्या काही दिवसांमध्ये माननीय एकनाथरावजी शिंदे मुख्यमंत्री साहेब यांनी विधानसभामध्ये घोषणा केली आणि कार्यवृत्त सुद्धा मंजूर केली, परंतु त्याच्यावर कोणतीही कारवाई अंमलबजावणी आतापर्यंत झालेली नाही। त्याच्यामुळे नगर परिषद कर्मचारी संघटना महाराष्ट्र राज्यभर माननीय श्री विश्वनाथजी घुगे, प्रदेश अध्यक्ष सुरेश पोस्तांडेल साहेब, प्रदेश अध्यक्ष यांच्या नेतृत्वाखाली बहिष्कार निवडणुकीच्या कामकाजावर बहिष्कार करण्याचा निश्चित झालेला आहे। येत्या काही दिवसात जर आमची मागणी पूर्ण शासनाने जर केली नाही तर निश्चितच निवडणुकीच्या कामकाजावर पूर्ण महाराष्ट्रभर नगर परिषद कर्मचारी, नगर पंचायत कर्मचारी सुद्धा हे निवडणुकीच्या कामकाजावर बहिष्कार करणार आहेत। याच्या संपूर्ण हे राज्य शासनावर यांच्या हे याचं जबाबदारी राहील। त्याच्यामुळे आज पूर्ण आम्ही पत्रपरिषद करतो बोलवली आहे की भाई संघटनेच्या वतीनं शासनाकडे आमच्या मागण्या संबंधात 10-20-30 लाभ मिळण्यासंबंधात बऱ्याच दिवसापासून 3 वर्षापासून राज्य सेवा कर्मचाऱ्यांना मिळालं आहे। नगर परिषद कर्मचारी राज्य सेवेमध्ये मोडत नाही का? आमची हे शासनाला मागणी आहे, आम्हाला सुद्धा 3 वर्षापासून जे लाभ नाही मिळाला ते सुद्धा लागू करण्यात यावा। जुनी पेन्शन योजना 1982 हे सुद्धा 2005 नंतर जे कर्मचारी नियुक्त झालेले आहेत अशा सर्व कर्मचाऱ्यांना ते महाराष्ट्रभरचे कर्मचारी नगर पंचायत, नगर पंचायत यांना सुद्धा ते लागू करण्यात यावा। असे विविध संबंधामध्ये आमचे संघटनेमार्फत महाराष्ट्र राज्य नेतृत्वाखाली आम्ही भंडारा जिल्ह्यातील सर्व लोक एकत्र आलेलो आणि ही मागणी शासनाने लवकरात लवकर मान्य करावं। अनात्ता येणाऱ्या होणाऱ्या समोरच्या पुढच्या विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये आम्ही बहिष्कार घालणार आहोत हे निश्चित आमचे ठरलेले। कर्मचारी एकता, हमारी मांगे, वरना कुर्सी, कर्मचारी एकता। महाराष्ट्र राज्य नगरपालिका, नगर परिषद, नगर पंचायत कर्मचारी यांच्या जिल्हा अध्यक्ष तुमसर शाखा संघटनेच्या कर्मचारी अध्यक्षाच्या नात्याने आमच्या मागण्या सरकारना ही मागण्या आहेत की सवर्ग कर्मचारी कर्मचारी यांच्या कितीक वेळा सरकारकडून आम्ही मागणी केलेली आहेत, परंतु आजपर्यंत सरकारने आमची मागण्या काही दखल घेतलेली नाही। या दखल न घेतल्यामुळे कर्मचारीची मागण्या सरकार, महाराष्ट्र सरकार ही सर्व विभागांना, सर्व कर्मचाऱ्यांना नियमानुसार सर्व फायदे देत असतात, परंतु नगर परिषद, नगर पंचायत, महानगरपालिकांना कोणत्याही प्रकारचे फायदे देत नाही आणि आमच्याकडून पूर्णपणे कामे, जे जे कामे आहेत ते सरकारचे जे आम्ही पार पाडतो, परंतु त्यावेळेस आम्ही त्यांच्या काही आमच्या मागण्या आमच्या गंभीरतेने घ्या। यावेळेस आम्ही त्यांना कितीकदा बोलण्यात मागणी केली, आम्ही अधिकाऱ्यांच्या मीटिंग घेतली त्यांनी, प्रधान सचिव, सचिव, नगर विकास यांनी, परंतु ते आम्ही पाहतो म्हणून कितीक वेळा हे वर्ष निघून गेले। यामध्ये आमच्यावर जे अन्याय होत आहे ते सरकारने दखल घेतल्या पाहिजे, नाहीतर आम्ही आमच्या मागण्या आहेत जे की आमच्या मागण्या अशा प्रकारे आहेत की नगरपालिका कर्मचाऱ्यांची जी मागण्या आहेत, राज्यातील नगरपालिका नगर जी चालेल परवानी आहे तत्वानुसार विधी पडण्याद्वारे 100% वेतन कोषागार मार्फत देण्यात यावे। राज्यातील नगर पंचायत राहिलेल्या सर्व कर्मचाऱ्या बिना अट समावेशन करणे, नगर पंचायत कायम झालेल्या कर्मचाऱ्यांची ग्रामपंचायती सेवा नियुक्त वेतनासाठी धरावी, तसेच नगर पंचायत दिनापासून वेतन लागू करणे, 10/3/93 पूर्वीचे राहिलेले रोजंदारी कर्मचारी कायम करणे, राज्यातील नगरपालिका नगर पंचायतच्या 7व्या वेतन आयोगानुसार 10-20 ची लाभ पूर्णपणे लागू करणे, पेन्शन योजना लागू करणे,
2005 नंतरचे जे कर्मचारी लागलेले आहेत त्यांना जुनी पेन्शन लागू करणे ही आमची सर्वस्व मागणी आहे. कारण की राजकारणामध्ये ती 5 वर्ष आपण सेवा देतात, आमदार हो या खासदार हो, आमच्या त्यांच्यावर निषेध नाही, ते त्यांचे आहे. परंतु आमच्या कर्मचाऱ्याची बी मागण्याच्या त्यांनी लक्ष ठेवावे की आम्ही 58 वर्ष 60 वर्ष आम्ही सेवा देतो, त्यांच्या हिसाबानं आम्ही कार्य करतो, परंतु आम्हाला बी जुनी पेन्शन लागू करावे. या अन्यथा आम्ही या विधानसभेवर आमची अगर मागणी केलेली नाही, पूर्ण झालेली नाही, तर आम्ही पूर्णपणे महाराष्ट्रभर यांच्यावर विरोध आणि निषेध करू आणि बहिष्कार टाकू आणि आमच्या घराची आणि संबंधित वार्डाची आमच्या संबंधित नागरिकाशी आम्ही व्यवहार करून त्यांच्याही प्रकारे आम्ही त्यांना निषेध करून आणि त्यांना आपण या मतदानामध्ये बहिष्कार करण्याचा आम्ही निश्चय केलेला आहे. आमचे महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष सुरेश पस्तोंडोले साहेब आणि घुगे साहेब यांच्या निर्देशानुसार आम्ही सर्व काम पार पाडित आहोत. त्या निर्देशानुसार आम्ही जसे जसे आम्हाला तिथून आमची निर्देश होईल त्यानुसार आम्ही सर्व कार्य पार पाडू. महाराष्ट्र सरकार ने अब गोंदिया जिले के कुशल और अकुशल बेरोजगार युवक युवतियों को जर्मनी में नौकरी पाने का अवसर प्रदान किया है. इसके लिए इच्छुक लोगों को गोंदिया में जर्मन भाषा में 4 महीने का प्रशिक्षण भी निःशुल्क प्रदान किया जाएगा और इसके लिए गोंदिया जिले के 200 बेरोजगार युवाओं का चयन किया जाएगा. जर्मन सरकार को 10,000 कुशल और अकुशल श्रमिकों की आवश्यकता है. भारत सरकार के साथ इस तरह के समझौते से महाराष्ट्र के हर कोने से 10,000 बेरोजगार कुशल और अकुशल युवा महिलाओं और इच्छुक पात्र लाभार्थियों को यह अवसर उपलब्ध कराया गया है. इसके लिए पुणे के गोथे इंस्टीट्यूट के जरिए आपको गोंदिया में 4 महीने तक जर्मन भाषा बोलने की ट्रेनिंग दी जाएगी. ऐसी जानकारी जिला प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान गोंदिया के प्रमुख डॉक्टर नरेश वैद्य ने दी है. सर आपल्या गोंदिया जिल्ह्यातील जे कुशल कामगार आहेत जे शासनाने ठरवून दिलेले आहेत, पॉलिटेक्निक केलेले, आयटीआय झालेले किंवा हॉस्पिटॅलिटीचे ट्रेनिंग केलेले नर्सेस आहेत आणि इतर ट्रेड्स यामध्ये दिले आहेत, लाईनमन दिलेले आहे, बस ड्रायव्हर आहेत, ट्रेन चालवणारे आहेत, तर या लोकांना जर्मनी भाषेचं समजा ट्रेनिंग दिलं आणि त्यांची नीड आहे की त्यांची गरज आहे की तिथं कुशल कामगार संख्या कमी आहे तर आपल्या यांना आपल्या गोंदिया जिल्ह्यातील या कुशल कामगारांना समजा दिलं तर त्यामध्ये त्यांना जर्मनीमध्ये संधी मिळेल, त्यांना रोजगार उपलब्ध होईल आणि त्यांचं जीवनमान उंचवण्यासाठी मदत होईल. सध्या महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटनी SCERTच्या वेबसाईटला त्याची लिंक दिलेली आहे, तर जे पात्र उमेदवार आहेत त्यांनी ते त्या ठिकाणी रजिस्ट्रेशन करू शकतात आणि जशी यादी होईल स्क्रुटिनाइज ती यादी आमच्याकडे येईल आणि आल्यानंतर त्यांचं प्रशिक्षण या ठिकाणी सुरू होईल. शासन निर्णयामध्येच दिलेलं आहे की त्यांना किमान 4 महिन्याचं प्रशिक्षण या ठिकाणी देण्यात येईल आणि त्यांची तरतूद डेली तरतूद शासनाने करून ठेवलेले आहे. सर्व फ्री ऑफ कॉस्ट मध्ये प्रशिक्षण त्यांना देण्यात येईल. तो अगर आप जर्मनी में काम करना चाहते हैं तो आपको गोंदिया में मुफ्त जर्मन भाषा का प्रशिक्षण दिया जाएगा. इसके लिए अगर आप शहरी क्षेत्र से आते हैं तो आपको 10,000 रुपए प्रति माह और यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो आपको 7,000 रुपए बतौर स्टाइफंड के रूप में दिए जाएंगे. यदि आप जर्मनी में रोजगार की तलाश में है तो इस वेबसाइट पर जाए और पंजीकरण करे या अधिक जानकारी के लिए जिला प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान गोंदिया कार्यालय पर जाए. ऐसी अपील डॉक्टर नरेश वैद्य ने किया है. भंडारा विधानसभा के कुर्जा ईटगांव बामनी और गोसे क्षेत्र में उबाठा गुट को बड़ा झटका लगा है. इस गुट के सरपंच, पूर्व सरपंच और पार्टी के 100 से ज्यादा अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता विधायक नरेंद्र भोंडेकर के नेतृत्व पर विश्वास करते हुए शिवसेना शिंदे गुट में शामिल हुए. विधायक नरेंद्र भोंडेकर द्वारा जनसंपर्क कार्यालय में इन कार्यकर्ताओं को भगवा दुपट्टा पहनाकर शामिल किया गया. विधायक नरेंद्र भोंडेकर ने भंडारा पौनी विधानसभा के हर क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए करोड़ों रुपए की निधि लाई और घोषित किए कार्यों की शुरुआत भी की. इन कार्यों को देखकर उनके नेतृत्व पर भरोसा बढ़ रहा है. इस प्रकार विभिन्न गांव से सैकड़ों कार्यकर्ता शिवसेना में शामिल हुए. कुर्जा ईटगांव बामनी व गोसे से उबाठा ग्रुप के 100 से अधिक पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने विधायक नरेंद्र भोंडेकर का नेतृत्व स्वीकार करते हुए शिवसेना के शिंदे गुट में प्रवेश कर लिया है. सोमवार को कुर्जा गाँव के सरपंच पंकज रघुते, पूर्व सरपंच संजू काले, उबाठा के युवा सेना तालुका प्रमुख चेतन शाहरे और कुर्जा ईटगांव
बामनी और गोसे के 100 से अधिक कार्यकर्ता सहित अन्य लोग विधायक भुंडेकर के जनसंपर्क कार्यालय पहुंचे, जहां विधायक भुंडेकर ने शिवसेना का दुपट्टा पहनाकर पार्टी में शामिल किया। इस अवसर पर शिवसेना जिला प्रमुख अनिल गायधा ने उप जिला प्रमुख सुरेश धुर्वे, नगर प्रमुख मनोज साकुरे, लोकसभा संयोजक संजय कुंबलकर सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। जिले में इस वर्ष जुलाई माह से तीसरे सप्ताह से शुरू हुई बारिश ने एक माह में ही बारिश की दो माह की कसर पूरी कर दी। जुलाई माह के मध्य तक बारिश के पानी के लिए तरस रहे जलाशय लबालब हो गए। ऐसे में ही पिछले 24 जुलाई को अर्जुनी मोरगांव तहसील में स्थित जिले का सबसे बड़ा एटियाडो जलाशय ओवरफ्लो हुआ, जो पिछले 27 दिनों से लगातार ओवरफ्लो है और इससे पानी का विसर्ग जारी है। ऐसा मौका पिछले कई वर्षों में आया है जब एटियाडो जलाशय का ओवरफ्लो इतने लंबे समय तक जारी है। बता दे कि इटियाडो जलाशय की जल संग्रहण क्षमता 38,560 दशलक्ष घन मीटर है। यह जलाशय सामान्य तौर पर ओवरफ्लो नहीं होता। इस वर्ष अच्छी बारिश होने के कारण जलाशय ओवरफ्लो हुआ है और इसका ओवरफ्लो इतने लंबे समय तक जारी है। हालांकि अभी भी बारिश का मौसम खत्म नहीं हुआ है और रुक रुक कर कहीं हल्की तो कहीं रिमझिम बारिश का दौर जारी है। इटियाडो जलाशय में फिलहाल 0.27 मीटर पानी का विसर्ग शुरू है। प्रकृति के इस सौंदर्य को निहारने के लिए इटियाडो में इन दिनों बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। यहां जलाशय के पास ही सिंचाई विभाग का विश्राम गृह है। रविवार अथवा शासकीय अवकाश के दिन यहां बड़ी संख्या में सुबह से शाम तक पर्यटक पहुंच रहे हैं। इससे वाहन पार्किंग एवं छोटे छोटे व्यवसायों के माध्यम से अनेक स्थानीय लोगों को रोजगार का अवसर भी उपलब्ध हो रहा है। BS क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। चार पहिया वाहन चालक ने दो पहिया वाहन को टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त कर देने की घटना मुस्लिम लाइब्रेरी चौक भंडारा में घटी। भंडारा पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। वेल्डिंग की दुकान में रखे ठेले को लेने के लिए गए युवक को दुकानदार ने लोहे की रॉड से मारकर घायल करने की घटना साकोली में हुई। फिरियादी की शिकायत पर साकोली पुलिस ने मामला दर्ज किया है। नागपुर जाने के लिए बस में चढ़ रही महिला के पास से सोने के गहने और मोबाइल फोन चोरी की घटना भंडारा बस थाना में घटी। अज्ञात चोर ने कुल 36,000 के सोने के आभूषण और 4,000 रुपए का मोबाइल चोरी कर लिया। भंडारा पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया। रावनवाड़ी थाने के तहत सिरसपुर निवासी महेश वंजारी चिकन लेकर घर जा रहा था। इसी बीच आरोपी ने उसे दिए गए 2,000 रुपए कब देगा ऐसे कहते हुए गाली गलौज कर लोहे के फरसे से मारकर घायल कर दिया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया। आमगांव थाने के तहत फिरियादी अपनी मोटरसाइकिल से डिसामा के कोटिंग सेंटर में मिलने गया था, जहां से अज्ञात व्यक्ति ने उसकी मोटरसाइकिल चुरा ली। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। टाइल्स फिटिंग का काम कर रहे व्यक्ति की तबीयत खराब होने से इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक का नाम टवेपा निवासी दीपक मधुकर गजबी है, उम्र 51 वर्ष है। हालत खराब होने पर भंडारा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। उप जिला अस्पताल के गेट पर एक व्यक्ति मृत अवस्था में पाया गया। मृतक की शिनाख्त तुमसर के ग्राम लोभी निवासी जागेंद्र हनवत मासुलकर उम्र 47 वर्ष के रूप में हुई है। इस मामले में तुमसर पुलिस ने धारा 194 के तहत मरगत दाखिल किया है।